हेलो जी, हेलो है, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम। आज 11 मई 2024 और अभी हमें धारचूला में पिछली वीडियो में आपने देख लिया था कि हम आदि कैलाश के दर्शन करके, ओम पर्वत के दर्शन करके वापस आ गए थे। ये हमारे परमेश भाई और पीछे खड़ी हुई है हमारी अर्वेनिया। तो अर्वेनिया के चालक साहब है परमेश भाई और 3 दिन से अर्वेनिया यहीं पर खड़ी हुई थी। हमने परमेश भाई का इनर लाइन पास भी बनवा लिया था, लेकिन परमेश भाई कहने लगे कि भाई मेरी कोई इच्छा नहीं है वहाँ पर जाने की। मैंने ऐसा कुछ नहीं है, मैंने बोला था। परमेश भाई कहने लगे कि मुझे ना अर्वेनिया बहुत प्यारी है, मैं इसे अकेली छोड़ के नहीं जाऊंगा बिल्कुल भी। बिल्कुल ठीक है। और फिर जब हम वापस आए, कह रहा यार मुझे चले जाना चाहिए था। तो अभी ऐसा है ना, अपने घर पे ले जाना पास को और अपने घर वालों से फोटो मैं दे दूंगा आदि कैलाश के। ठीक, फोटो दे देना, मैं बाकी बता दूंगा कि मैं भी घूम के आया हूं। परमेश भाई जो ना हमीरपुर से, हिमाचल से, हिमाचल में 3 कैलाश है, 3 मणिमहेश कैलाश, श्रीखंड कैलाश और किन्नर कैलाश। तो एक कैलाश अपना उत्तराखंड में है जहाँ आदि कैलाश, और एक कैलाश है अपना मेन कैलाश, कैलाश मानसरोवर, वो पड़ता है जी तिब्बत में। चलो परमेश भाई, हमें बड़ा अच्छा लगा कि आप 3 दिन आपने रेस्ट की। नहीं परमेश यार, वाकई में बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत दुखी है। कह रहा है कि यार मुझे चले जाना चाहिए था, मुझे चले जाना चाहिए था, गाड़ी तो यहीं खड़ी है और कैलाश हो जाता। मगर ठीक है, चलो खैर भाई, अगली बार आएंगे फिर अर्वेनिया लेके आएंगे, फिर जाएंगे। और हाँ, परमेश भाई के रिश्तेदारी भी निकट गई यहाँ पे। अब वो रिश्तेदार और कहेंगे इससे यार तू गया नहीं भाई। चलो ठीक है, बाकी सारे लोग और चाय पी रहे हैं, सब चाय पी रहे हैं। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करके सर जी लोग चले गए नेपाल। नेपाल चले गए। क्या शॉपिंग करी आपने? शॉपिंग करने जैसा कुछ था नहीं, घूम के आ गए, देख के आ गए। अभी इतना कुछ ज्यादा, अभी अगर कोई कहेगा तो हम बोल सकते हैं कि बोल सकते हैं हम इंटरनेशनल ट्रिप भी करके। धारचूला जाके हम नेपाल भी गए थे। धारचूला गए, नेपाल गए। सर आपने 5-6 हजार की शॉपिंग करी है? ना ना, वो 5-6 हजार वाले मैंने एक लोवर लिया, 5-6 हजार वाले ये हैं। ये हमारे मिश्रा जी क्या शॉपिंग कर ली सर? ऐसे तो कुछ अच्छा मिला, मित्र राष्ट्र है। इन्होंने अपनी पत्नी के लिए एक गले में मोतियों का जो मंगलसूत्र होता है बहुत प्यारा सा लिया, वो लिया, उसको छुपा के रखा, किसी को बताया नहीं है। मैं सार्वजनिक कर देता हूँ इसको। सर हमने 2000 की वो खास नेपाल की टोपी आती है, वो कितना? नेपाल की तो 2000 की, नेपाल 2000 की टोपियां ले ली। नहीं, और कुत्ते भी, लेडीज कुत्ते और टी शर्ट वगैरह लिए। अच्छा, काफी कुछ ले लिया। सर आप तो गए नहीं थे, यहीं पे रेस्ट किया, थकान उतार ली सारी कल की। सर आपने 5-6 हजार की शॉपिंग करी है? हाँ सर, जैकेट वैकेट ले आए, थोड़ी जैकेट ले आए, बढ़िया जैकेट है। पता नहीं सर, बाद में पता लगेगा। अच्छा, मतलब अभी के लिए बढ़िया लग रही है, कलर वलर सब बढ़िया लग रहे हैं। ये जी धारचूला में होटल भगवती इन, चाउमीन सेंटर मेहता रेस्टोरेंट, चलो खैर भगवती इन। ये जो ना धारचूला का बहुत बढ़िया होटल है और धारचूला सिटी से 4 किलोमीटर पीछे है, पीछे मतलब पिथौरागढ़ की तरफ। तो यहाँ पे कोई भीड़ भाड़ वगैरह कुछ नहीं है, गाड़ियाँ वाड़ियाँ आराम से पार्क हो जाती है। हमारी अर्वेनिया 3-4 दिन से यहीं पर खड़ी हुई है और ये गाड़ियाँ वाड़ियाँ सब आराम से पार्क हो जाती है। यहीं बगल में पेट्रोल पंप भी है तो पेट्रोल भरवा लो। धारचूला का मार्केट जो है ना बहुत ही भीड़ भाड़ वाला मार्केट है, तो वहाँ पर पार्किंग वगैरह मिलती नहीं है आसानी से, यहाँ पे वो समस्या नहीं है। मैं आपको एक दो रूम और दिखा देता हूँ, फिर जो है ना यहाँ से मैं भी चाय पीऊँगा, फिर यहाँ से जो है चेकआउट कर देंगे। देखो जी, इनके पास ना 2 है डोरमेट्री, एक डोरमेट्री है 4 बेड की डोरमेट्री है और एक है 6 बेड की डोरमेट्री, और दोनों डोरमेट्री में लगा हुआ है एसी। एसी जो ना अभी आजकल में लगाया है, एसी की सपोर्ट। यहाँ पे ना लाइट वाइट बहुत भागती है, थोड़ा सा मौसम खराब हो जाता है लाइट भाग जाती है, तो उसके लिए इन्होंने डीजल जनरेटर डीजी भी लगा रखा है। 2 डोरमेट्री मतलब कि 10 बेड तो हो गए डोरमेट्री में। कुछ इनके कमरे भी है, कमरे वगैरह सारे के सारे लगे हुए हैं, नहीं लगे पता नहीं, मैं तो इसी में रुका हुआ था डोरमेट्री में अपने यहाँ पे, और तो सारा का सारा हमने अभी चेकआउट किया ना, तो थोड़ी सी ऐसी वैसी हो रही है, मतलब शक्ल कंडीशन ऐसी हो रही है। हम चले जाएंगे तो ये लोग बिल्कुल साफ सफाई कर देंगे। और हाँ, यहाँ से जी व्यू भी बहुत बढ़िया शानदार आ जाता है, पीछे वो काली नदी दिखाई दे रही है और उस तरफ का जो वो वाला जो पहाड़ है सारा का सारा वो नेपाल के अंदर है, और ये सारा का सारा एरिया जो अपना भारत है। धारचूला में जो है ना अभी जो है ना डोरमेट्री वाला सिस्टम है, अभी वो प्रॉपर कमरे वाला सिस्टम है नहीं, क्योंकि यहाँ तो सड़क तो नई बनी है। धारचूला तक तो बहुत दिन से सड़क थी, लेकिन आगे कैलाश वाली सड़क अभी नई बनी है, पिछले साल ही खुली है। उससे पहले ट्रैकिंग ही होती थी, और ट्रैकर लोगों को क्या चाहिए? ट्रैकर लोगों को तो एक बिस्तरा चाहिए, डोरमेट्री चाहिए, भैया कैसी भी दे दो। तो यहाँ पे अभी वही वाला सिस्टम चला आ रहा है डोरमेट्री वाला। यहाँ के ज़्यादातर होटलों में आपको डोरमेट्री ही मिलेगी, कोई 1000 रुपये पर पर्सन, उसमें ब्रेकफास्ट डिनर इंक्लूड होता है, कोई 1500 रुपये पर पर्सन में दे देगा, कोई 2000 रुपये पर पर्सन में भी दे देगा, वो डिपेंड करता है भीड़ कितनी है, सीजन कैसा है। ये हो गए जी अपनी अर्वेनिया। इसके बिना तो पिछले 3 दिन से उछल कूद ही मची पड़ी थी। एक बार खोलिए भाई, सबसे मैं एक बार हालचाल से ले लूँ। हाँ जी, आगे भाई सारे आगे। हाँ, सारे लोग आगे, सारे आगे। वह फिर से भाई अर्वेनिया में लग रहे हैं, हमारी जिंदगी
घाड़ी में हो गई है। सुनो फिर से अर्मेनिया में स्वागत है, अब जो ना हड्डियां नहीं हिलेंगी हैं? पिछले तीन दिन से क्या मजे आ रहे थे। हाँ, ओम भगवान, जय श्री राम, जय शिव शंकर, हर हर महादेव। चल पड़े जी धारचूला से लोहाघाट के लिए। हमने जो ना जौल जी भी पार कर लिया और अस्कोट भी पार कर लिया और जी वो ओगला बैंड भी पार कर लिया और अभी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं हम कनाली छीना। तो दो घंटे तो हो गए ना, चाय पीनी है, चाय का टाइम हो गया है, हो गया, हो गया। यस डॉक्टर साहब, चाय पीनी है, हाथ उठाओ, दो ही हाथ उठे। ये देखो, मैं दोनों उठा देता हूँ चाय के साथ में भाई। क्या 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 क्या, मैंने कहा मैं दोनों हाथ उठा दूंगा। ओ तू मत उठा, तू मत उठा, तुझे मैं ऐसे ही पिला दूंगा। नहीं नहीं नहीं, तू मत उठा। और भाई कालू, क्या हाल भाई? चल तो खुजा पहले यार। ये रुक गए हम कहीं पे कनाली छीना से थोड़ा सा आगे, वो है जी कनाली छीना, वहाँ से हम थोड़ा सा आगे रुके हुए चाय ब्रेक के लिए, ओ ईजा कैफे। और यहाँ पे हमें मिला है एक शक्तिशाली कालू। सुन रहे हो? इधर आ रहे, ओ बदतमीज इधर। सुन भाई, देख सुन सुन, काम की बात बताऊंगा मैं तेरे से। हाँ पहले हेलो कर। हाँ ये हुई ना हेलो। हाँ सुन, अगर तेरे को बीमारी हो ठीक है, हमारे पास डॉक्टर भी है, हमारे पास डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर नहीं, समझे ना, बता देना, वो अभी आने वाली है वो, ठीक है ना। हाँ अभी तेरा चेकअप करवा दे, तू बहुत बढ़िया आदमी है। चल हेलो कर फिर से। अरे वाह, फिर मिलेंगे भाई, फिर मिलेंगे। हाँ जी सुबह हो गई जी, गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई। रात हम रुक गए थे यहाँ पे लोहाघाट में जेबी होटल एंड रिसोर्ट करके, बहुत बढ़िया लोकेशन है, बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है, बहुत बढ़िया रूम है, बहुत बढ़िया खाना है। तो अभी भी मेरी पूरी आँख खुली नहीं है, 7:45 है और मैं भी सबकी तरह ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेता हूँ, उसके बाद फिर आज तो दिल्ली। ये देखो जी, ओपन, क्या बोलते हैं, टेरेस, ओपन टेरेस, और पीछे जो ना देवदार के पेड़, पूरा का पूरा जंगल। कोई सोच भी नहीं सकता कि ये जगह लोहाघाट है, और हम ना मेन टाउन के अंदर ही है, सिटी के अंदर ही है, पूरा का पूरा देखो जी लोहाघाट है। लोहाघाट बड़ी प्यारी लोकेशन है, देवदार के जंगल वगैरह खूब सारे हैं। और यहाँ पे इन्होंने खाना वाना कैसा है, बढ़िया ब्रेकफास्ट हो गया, ठीक है जी। ब्रेकफास्ट में बने हैं आलू पूरी और पोहा, गर्मा गर्म बन के आ रहे हैं। मैं बेचारा लेट लतीफ आदमी, अपने लिए मंगाता हूँ आराम से। ये देखो जी लोहाघाट, और वो जो सामने दिखाई दे रही है ना वो वाली पहाड़ी वो है जी एबट, माउंट एबट, शायद वही है। अगर वो नहीं हो तो गाली वाली मत देना, ऐसी ईमानदारी से बता देना कि नीरज भाई वो नहीं है। एबट जो ना हॉन्टेड प्लेस में से एक आता है, गूगल पे आप सर्च मारोगे माउंट एबट हॉन्टेड प्लेस इन इंडिया, तो वो मोस्ट हॉन्टेड प्लेस में से एक आता है। और लोहाघाट के आसपास क्या है, यहाँ पे बाणासुर का किला है, बहुत बढ़िया पुरानी हिस्टोरिकल इमारत है। और इसी तरफ ईस्ट वाली डायरेक्शन में 8-9 किलोमीटर दूर है मायावती आश्रम, वो स्वामी विवेकानंद जी से रिलेटेड है। तो आज यहाँ से दिल्ली है 450 किलोमीटर, और आज सारे के सारे सबको ना शाम को 6 बजे तक दिल्ली पहुँचना है। इसलिए ना हम आपको हॉन्टेड प्लेस दिखाएंगे, ना हम आपको मायावती आश्रम दिखाएंगे, ना हम आपको बाणासुर का किला दिखाएंगे। इसके लिए आई एम सॉरी। हाँ जी चले जी, चलो सही है। 8 दिन 8 8वां दिन है। हाँ
दिन चलो भाई तरोताजा होके फिर से चलते हैं। चलिए सर, हर हर महादेव।